Hello students, welcome back to our channel. If you are new, subscribe it and press the bell icon for the latest update. So today we are going to study a new topic, that is the mechanism of stomata and opening and closing of stomata. So here we begin. So here we are going to start, that is mechanism of stomata. So what is stomata? It is a small opening, all right? It is a small opening, okay? So, before studying mechanism of stomata, we have to know that what is mean by opening and closing of stomata. So, उसमें हम लोग जानेंगे कि stomata कैसे close होता है और कैसे बंद होता है और क्यों close होता है और क्यों बंद होता है. So, see this two structure, all right? This is a kidney shaped structure. इसको हम लोग बोलते हैं guard cell. क्या बोलते हैं इसको? guard cell. ठीक है, ये जो leaf like petal like structure है इसको हम लोग बोलते हैं epidermal cell. क्या बोलते हैं? epidermal cell. ये किडनी जैसा स्ट्रक्चर जो है, किडनी गार्ड जैसा, इसको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल. ठीक है, और ये एपिडर्मल सेल हो गया. और ये वाला स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारे पोर्स हैं, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियाई बोलते हैं. और ये ग्रीन ग्रीन टिपिकल स्ट्रक्चर का नाम है क्लोरोप्लास्ट. क्या नाम है? क्लोरोप्लास्ट. और ये जो ओपनिंग है ना, ये वाला जो ओपनिंग है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टोमा. इसको हम लोग बोलते हैं स्टोमा और स्टोमेटल पोर्स. ठीक है, सिमिलरली इसमें भी ये वाला क्या शो कर रहा है तुमको? ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये शो कर रहा है तुमको ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा. ठीक है, और ये वाला शो कर रहा है क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो पॉज द वीडियो एंड जस्ट नोट इट डाउन. ठीक है, अब मैं इसके बारे में आप लोग को डिटेल बताऊंगी कि ये ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा क्यों कहलाया और ये क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा क्यों कहलाया. ठीक है, तो चलिए अब मैकेनिज्म पर आते हैं. ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या है? नॉर्मली ड्यूरिंग डे टाइम स्टोमेटा ओपन्स एंड ड्यूरिंग नाइट इट क्लोजेस. ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे ये आया कि डे के टाइम में जो है स्टोमेटा जो है, दैट इज स्टोमेटल पोर्स जो है, वो ओपन हो जाता है. ठीक है, और नाइट के टाइम में स्टोमेटल पोर्स क्लोज हो जाता है. ठीक है, एक ये आया. ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ऐसा क्यों होता है तो देखिए, जानते हैं. डे के टाइम में, दिन के टाइम में वो, ये देखिए, ये हमारा गार्ड सेल है. ठीक है, ये ड्यूरिंग डे, ये हम लोग क्या देख रहे हैं? ड्यूरिंग डे. ठीक है, डे के टाइम में ये जो हमारा गार्ड सेल है, ये जो हमारा गार्ड सेल है ना, इसमें पानी घुस जाता है, H2O एड, इसमें जो है H2O घुस जाता है, जिसके कारण गार्ड सेल जो है वो टर्जिड हो जाता है, फूल जाता है. फूलने के कारण हम लोगों को ये ओपनिंग दिखता है, ठीक है, और पानी घुसा, ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोले? एंड ऑस्मोसिस. ठीक है, हम लोग ऑस्मोसिस जानते हैं ना क्या होता है? ऑस्मोसिस क्या होता है? ये दो कंसेंट्रेशन है. ठीक है, यहाँ पे हायर, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन है, हायर कंसेंट्रेशन, और ये लो कंसेंट्रेशन. तो इसका पानी इसमें चला जाता है अगर हम एक पाइप लगाएं तो. ठीक है, तो ऑस्मोसिस, तो एंड ऑस्मोसिस, पानी इसमें जाएगा. ठीक है, यस, जिसके कारण ये टर्जिड हो जाएगा, और टर्जिड होने के कारण ये क्या हो जाएगा? ये फूल जाएगा और ये पोर्स हम लोग को पता चलेगा. ठीक है, और वही ड्यूरिंग नाइट टाइम. ठीक है,
नाइट के टाइम में क्या होता है, ये वाला जो होता है ना, ये ऐसे एकदम सुकूर जाता है ऐसे करके, तो ये ओपनिंग क्लोज हो जाता है, ये जो वाला जो ओपनिंग है ये नहीं दिखता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इससे सारा पानी जो है H2O जो है लॉस हो जाता है, पानी सारा निकल जाता है। और ये क्यों होता है? एक्स ऑस्मोसिस के कारण, इट इज ड्यू टू एक्स ऑस्मोसिस। ये सेल जो है ये लूजली पैक्ड हो जाता है, लूज हो जाता है, फ्लेसिड हो जाता है। ठीक है, ये गार्ड सेल हमारा फ्लेसिड हो जाता है, एकदम सिक्योर जाता है। ठीक है, जिसके कारण विच रिजल्ट्स इन द क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा। वही डेजर्ट्स प्लांट्स में क्या होता है? डेजर्ट प्लांट्स तो काफी थीक होता है, उसका क्यूटिकल्स बहुत ज्यादा मोटा होता है, उसका लीव बहुत ज्यादा मोटा होता है, और डेजर्ट्स में पानी नहीं होता है, प्लांट्स के पास ऐसा कैपेबिलिटी रहता है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे उल्टा होता है। ठीक है, उल्टा होता है नाइट के टाइम में, जब मॉडरेट क्लाइमेट होता है, जब कोल्ड क्लाइमेट होता है, तब वो ओपन होता है, और डे के टाइम में क्लोज हो जाता है। क्या ओपन और क्लोज होता है? स्टोमेटल पोर्स। ठीक है, डेजर्ट प्लांट्स में। ठीक है, और जब डे के टाइम में ये ओपन, डे नाइट के टाइम में ये ओपन करता है, ठीक है, और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है, इट मेक्स एन इंटरमीडिएट कंपाउंड। ठीक है, एन इंटरमीडिएट कंपाउंड इज फॉर्म्ड, जो कि दूसरे दिन उसको प्रिपेयर, फूड प्रिपेयर करने में, दैट And it helps in food making. ठीक है, ये food बनाने में मदद करता है। किसके मदद से? Sunlight के मदद से। Yes, sunlight के मदद से food बनाने में मदद करता है। Alright. सो डेजर्ट फ्लैट में क्या होता है, नाइट के टाइम में स्टोमेटल पोर ओपन होता है, डे के टाइम में क्लोज हो जाता है, उसके बाद इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाने में ये मदद करता है, जिसके कारण दूसरे दिन हम इसको फूड बनाने में इजी होता है, और किसके मदद से? सनलाइट के मदद से। यस, नाउ अब हम लोग ये जानेंगे, ये जान लिए कि ओपन क्यों होता है। ठीक है, अब किस कारण से होता है और ओपनिंग का कारण क्या है। ठीक है, तो हम इसका फंक्शन जानेंगे और कुछ पॉइंट्स जानेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के बारे में। तो जैसे हम लोगों को पता है, स्टोमेटा जो है वो कंपोज्ड है टू किडनी सेप स्ट्रक्चर का। स्टोमेटा किसका बना है? टू किडनी सेप्ड गार्ड सेल का। ठीक है, जो कि किससे घिरा रहता है? एपिडर्मल सेल से। ठीक है, ईच गार्ड सेल, हर एक गार्ड सेल के पास क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट रहता है। और क्या रहता है? न्यूक्लियाई रहता है। ठीक है, हम लोग देखे ना ऐसा वाला स्ट्रक्चर, पुचुक। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा गार्ड सेल है, और ये एपिडर्मल सेल है। ठीक है, ये एपिडर्मल सेल्स है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, ये न्यूक्लियाई है, क्लोरोप्लास्ट न्यूक्लियाई। ठीक है, ये सब हम लोग को पता चला। अब इसका फंक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, इसका फंक्शन क्या क्या है, व्हाट इज द फंक्शन, ओपन और क्लोज क्यों होता है? रीजन तो पता चल गया कि ओपन होने का क्या होता है, तो क्यों होता है? क्योंकि फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया, हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, और सेकेंड रीजन हो गया ट्रांसपीरेशन। ये ट्रांसपीरेशन में मदद करता है, गैसियस एक्सचेंज में मदद करता है और ट्रांसपीरेशन में मदद करता है। ट्रांसपीरेशन का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपीरेशन? इट इज अ रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ प्लांट। इट इज अ प्रोसेस। ठीक है, तो ट्रांसपीरेशन का क्या हो गया फंक्शन, ये डेफिनेशन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द
प्लांट इन टू द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. ठीक है, ये ट्रांसपीरेशन हो गया. ट्रांसपीरेशन क्या होता है ये भी पूछा जाता है एग्जाम में. तो अब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया. ठीक है, कंप्लीट हो गया सारा टॉपिक, मतलब ये न्यूट्रिशन इन प्लांट से रिलेटेड. तो अब हम लोग आपको, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जो कि एग्जाम में आते रहते हैं. थैंक यू. इफ यू लाइक द सेशन प्लीज थम्स अप, गिव अ थम्स अप. बाय बाय.